क्लास नाइन्थ का नंबर सिस्टम क्वेश्चन है, हम इसको जो है कैसे सिंपलीफाई करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर ऐसी डिजिट्स हों तो हम कैसे उसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम जो है थ्री की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, थ्री टू ज़ा सिक्स, ठीक। अब थ्री की अब मैं इससे करूँगी तो क्या आएगा, थ्री अंडर रूट टू, ठीक। फिर प्लस, फिर मैं इसकी इससे करूँगी तो टू अंडर रूट थ्री, ठीक है। फिर मैं इसकी इससे करूँगी तो रूट थ्री और रूट टू, ठीक है। तो कितना आ गया, रूट सिक्स। तो पूरी संख्या क्या आ गई आपकी, प्लस रूट सिक्स, तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपके दो तरीके हैं आपको कैसे सॉल्व करना है आप वो जान सकते हैं, ठीक है। पहला जो मैंने अभी बताया सेम वही, ठीक है। फिर इसकी से, फिर इसकी से, देखो क्या करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे तो थ्री थ्री नाइन, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और माया यहाँ माइनस आ गया है तो थ्री अंडर रूट थ्री। अब जो है इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में है, प्लस थ्री अंडर रूट थ्री। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो जो है अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों डिजिट सेम दिख रही हैं, प्लस यहाँ माइनस है या प्लस है, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। मतलब ये दोनों कट जाएंगे, सेम है, तो यहाँ क्या बचा, नाइन माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है, ये कट गया आपका, तो नाइन माइनस थ्री, तो नाइन को थ्री से माइनस किया तो कितना है, सिक्स, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका एक और मेथड है, मैं एक साइड में बताती हूँ आपको कि इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये दे रखा है आपको, सबसे इजी है ये, कैलकुलेशन ना करके आप ईज़िली कर सकते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, उसका हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। अब उसको आप अप्लाई कर सकते हो, a क्या है, a आपका 3 है, b क्या है आपका रूट थ्री, तो इस फार्मूले में आप इसको डाल दो, 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो थ्री थ्री से कितना हो गया, नाइन, ठीक है, माइनस स्क्वायर से रूट कटा थ्री, कितना आया, सिक्स, ये आंसर आ गया। आपको इससे करना है इससे करो, इससे करना है इससे करो, दोनों तरीके बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए क्या है यहाँ पे, a आपका रूट फाइव है, b क्या है आपका रूट टू, तो ये फार्मूला आप इसमें डाल दो तो क्या आएगा, देखते हैं, a स्क्वायर क्या है, रूट फाइव का होल स्क्वायर, b रूट टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए क्या है, रूट फाइव इंटू रूट टू। अब स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा, फाइव, ये भी स्क्वायर से रूट कट गया, टू। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू अंडर रूट टेन, ठीक है, फाइव और टू कितने हो गए, सेवन प्लस टू अंडर रूट टेन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसे। अब ये क्वेश्चन है आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया a माइनस बी और ये a प्लस बी, और फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, रूट फाइव
बी क्या है, रूट टू, तो पुट कर लो, ठीक है, रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो कितना हुआ, फाइव माइनस टू, ठीक, ये आपका आंसर है।